वेलकम बच्चों, इस डिफिकल्ट टाइम में जबकि हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, मैं छोटा सा इनिशिएटिव ले रहा हूँ जिससे आप घर बैठे कुछ पढ़ पाएँ। मैं कैपेसिटर्स आज पढ़ाऊँगा आपको और इसका कंप्लीट ए टू जेड रहेगा। यदि आप सीखना चाहते हैं केवल सुनना नहीं चाहते हैं तो आप मेरे साथ काम करेंगे। आप कॉपी लेंगे, पेन यूज़ करेंगे, क्लासरूम मोड में आप बैठेंगे और मेरे साथ साथ काम करेंगे। हाँ, क्लासरूम से थोड़ा डिफरेंस होगा। क्लासरूम में थोड़ा इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है आपस, और इस तरह का वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे लाइफ में का भी ये पहला है कि इस तरह मैं रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्लासरूम सिचुएशंस तो कम्प्लीटली नहीं फॉलो होगा, तब भी चीज़ों को मैं ड्रामेटाइज करके कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा हो। क्लासरूम से जो डिफरेंस होगा, क्लासरूम में हम लोग रिएक्शन टाइम देते हैं, क्वेश्चन दिए, इंतज़ार किए और फिर आपका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ रिएक्शन टाइम तो नहीं होगा, लेकिन आप अपना रिएक्शन टाइम ले सकते हैं जब अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, उसको आप अकॉर्डिंगली पॉज कर दोगे। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल्स आएंगे और मैं कहेंगे इसको सॉल्व करो, तो उसमें मैं टाइम भी थोड़ा मेंशन कर दूंगा कि इसको 2 मिनट इसमें करो, 3 मिनट में करो, 5 मिनट में करो, तो उतने देर के लिए आप पॉज करोगे। ठीक है, और फिर कोशिश करोगे उस टाइम फ्रेम में हम कर दें, फिर हम उसको डिस्कस कर देंगे। कभी कभी सीधे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, तो उस तरह से चीज़ें क्लासरूम वाला फॉलो हो जाएगा। क्लासरूम में जो हम रुकते थे, रिएक्शन टाइम देते थे, वो यहाँ नहीं हो पाएगा, वो आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको हिंट दूंगा कि कब पॉज करना है, कब पॉज नहीं करना है। ठीक है, तो चलो साथ साथ पढ़ते हैं। आज हम कैपेसिटर का इंट्रोडक्टरी क्लास लेते हैं, शुरू करते हैं, और कैपेसिटर्स को कम्प्लीटली कवर करेंगे। ईशो की चिंता की कोई बात नहीं है। देखो बच्चों, हम 2 मेटालिक स्फीयर ले रहे हैं। अब ये अपनी कन्वीनियंस के लिए आइडेंटिकल ले लेते हैं, दोनों का सेम रेडियस ले लेते हैं। मेटालिक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो चार्ज का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो उतना इजीली संभव नहीं होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में। तो 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ले लिए, मेटालिक स्फीयर ए है और मेटालिक स्फीयर बी है। इनके बीच में लार्ज सेपरेशन है। अब यहां लार्ज सेपरेशन का मतलब है कि एक का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट कि एक का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे के पोटेंशियल को भी प्रभावित नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। सो व्हेन यू से द स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, देन वी मीन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन स्फीयर विल नॉट अफेक्ट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर स्फीयर, एंड ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ वन स्फीयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अदर स्फीयर। अब ये दोनों अनचार्ज्ड हैं, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं कोई पोटेंशियल इस पे डेवलप नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब हम एक बैटरी ले लें, उस बैटरी का EMF मान लो वी वोल्ट है, लेटर से वी वोल्ट का बैटरी है, लेटर से वी वोल्ट का बैटरी है। अब थोड़ा सा बैटरी के बारे में पढ़ लें, बैटरी को सेल भी कहते हैं। तो जैसा आप जानते हो बच्चों कि सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा कहलाएगा निगेटिव टर्मिनल। सपोज करो इस बैटरी का EMF 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब है
कि निगेटिव टर्मिनल के रेस्पेक्ट में जो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है 10 वोल्ट ज़्यादा है। तो यदि सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल इज मोर देन निगेटिव टर्मिनल बाय व्हाट अमाउंट, 10 वोल्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल निगेटिव टर्मिनल से कितना ज़्यादा, 10 वोल्ट ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ आई असाइन 0 वोल्ट टू द निगेटिव टर्मिनल द पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल विल बी 10 वोल्ट। यदि मैं निगेटिव टर्मिनल को -5 वोल्ट कह दूँ, देन कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी द पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल, 10 हायर एंड दैट इज +5 वोल्ट। यदि मैं यहाँ का -15 वोल्ट कह दूँ तो +10 इसमें ऐड करोगे देन दिस विल बिकम -5 वोल्ट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों निगेटिव है, अभी भी इसके रेस्पेक्ट में ये निगेटिव है और इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है, एब्सोल्यूट नहीं है। अब ये वी वोल्ट का बैटरी है, अभी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कंडक्टर पे। जो ही आप स्विच ऑन करोगे तो इस टर्मिनल के पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से मेटालिक स्फीयर ए कनेक्ट हुआ और निगेटिव टर्मिनल से कौन सा स्फीयर कनेक्ट हुआ, बी। तो ये बैटरी क्या चाहेगा कि दोनों मेटालिक स्फीयर के बीच में वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें। तो केवल सेल कनेक्ट कर देने से, बैटरी कनेक्ट कर देने से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं डेवलप होगा जब तक कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ना क्रिएट हो जाए। मतलब जब तक कि इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा दोनों स्फीयर पे, ठीक है, तब तक उनके बीच में एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा जब इस इंटरवेनिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो, मतलब दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्वायर हो। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्वायर करने के लिए बैटरी मेटालिक स्फीयर ए को बोलेगा कि तुम इलेक्ट्रॉन लूज करो और बी को बोलेगा कि तुम वो सारा इलेक्ट्रॉन क्या करो, गेन करो। दोनों मिलके पूछेगा कि आप बैटरी क्या करोगे, तो ये बोलेगा कि हम उन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे। फिर दोनों पूछते हैं इस बैटरी से कि कब तक ट्रांसफ़र करोगे, तो ये बैटरी बोलता है कि जब तक आपके चार्ज ट्रांसफ़र से ए जो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, बी जो निगेटिव चार्ज गेन करेगा, उसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा ए और बी का, उसका डिफरेंस जब तक हमारी ईएमएफ वी वोल्ट के बराबर नहीं होगा तब तक हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते रहेंगे। इसका मतलब मेटालिक स्फीयर ए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन बी क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस पर जितना प्लस क्यू आएगा इस पर जरूर इतना बोलो माइनस क्यू होगा। और दोनों मेटालिक स्फीयर पे नेट चार्ज यदि पहले 0 था तो चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी, ट्रांसफ़र के बाद भी नेट चार्ज 0 रहेगा। ये बैटरी हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, बैटरी हमेशा इलेक्ट्रिकली अनचार्ज रहेगा। ये केवल चार्ज का ट्रांसफ़र करेगा टू क्रिएट प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। इसका मतलब हुआ कि यदि दोनों से स्फीयर प्लस बैटरी मिला के नेट चार्ज पहले 0 है तो बाद में भी नेट चार्ज 0 होने के लिए बैटरी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा, लेकिन दोनों मिला के स्फीयर मिला के नेट चार्ज 0 होने के लिए ये टर्मिनल हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज ट्रांसफ़र करेगा। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से यदि प्लस क्यू ट्रांसफ़र होगा तो निगेटिव टर्मिनल से बोलो माइनस क्यू ट्रांसफ़र होगा, जिससे कि नेट चार्ज अभी भी दोनों स्फीयर मिला के 0 हो। अब मेरे बच्चों ये हमेशा होल्ड करेगा चाहे दोनों इरेगुलर शेप का कंडक्टर ही क्यों ना हो, एक प्लेट हो, एक सिलेंडर हो, रेडियस दोनों स्फीयर ही हो, रेडियस अलग अलग हो, सो व्हाट विल बी द शेप ऑफ द कंडक्टर डजंट मैटर। ठीक है, देयर नेट चार्ज दोनों मिला के हमेशा क्या होगा, 0। सेल फाइनली नेट चार्ज जाके क्रिएट नहीं करेगा चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन से। अब जब ये चार्ज एक्वायर कर लेगा तो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा
और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलो, और हर एक फील्ड स्टोर करता है पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। तो अब स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गया। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुआ इसको आप कन्वीनियंटली सर्किट में यूज कर सकते हो। अब ये जो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ उसके कारण जो एनर्जी स्टोर हुआ, तो सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी आया कहां से, एनर्जी डिराइव कहां से हुआ। तो मेरे बच्चों, जब ये सेल चार्ज ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो सेल क्या किया, जैसे आप प्लस क्यू के बारे में ही सोचो, पहले लोअर पोटेंशियल पे था अब हायर पोटेंशियल पे आ गया, तो इस चार्ज का पोटेंशियल कितने से इंक्रीज किया, एलिवेट किया, वी से। इसलिए वार्डन बाय द बैटरी होगा चार्ज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। तो बैटरी ने इतना वार्डन किया, और बैटरी जब वार्डन करेगा तो इसका स्टोर केमिकल एनर्जी डिक्रीज करेगा। इसका जो स्टोर केमिकल एनर्जी में डिक्रीज जो हुआ उसका कुछ पार्ट स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, कुछ पार्ट इस वायर में ट्रांजिएंट करंट होगा, स्मॉल टाइम के लिए करंट एग्जिस्ट करेगा और वायर के हीटिंग में वो एनर्जी डिसिपेट कर जाएगा। बैटरी के द्वारा पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर के कारण जो वार्डन हुआ यहाँ पे एनर्जी के रूप में अपीयर नहीं होगा, कुछ हीट के रूप में भी डिसिपेट हो जाएगा। अब ये जो एनर्जी स्टोर हो गया इस अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी को तुम कन्वीनियंटली यूज कर सकते हो सर्किट में। अब इस तरह का कोई अरेंजमेंट ऑफ द मेटालिक स्फेयर जो चार्ज स्टोर करे और साथ ही एनर्जी स्टोर करे किस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहलाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आप पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा, कैपेसिटर को है एनी अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर व्हिच कैन स्टोर चार्ज हेंस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। सो इन ऐसा कोई भी कंडक्टर का अरेंजमेंट जो चार्ज स्टोर करे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करे कहलाएगा कैपेसिटर। राइट डाउन, ये जो डायग्राम बना रहे हैं उसको जरूर लिखना है ना, लिख डालो। एनी अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर which can store charge, hence electrostatic potential energy, hence electrostatic potential energy in the electric field is called capacitor। अब एक हल्का सा इसका यूज दिखा रहे हैं तुमको कि स्विच को ऑफ कर दो, ठीक है, और मान लो यहाँ रेसिस्टर है और ऐसे स्विच है मान लो, तो S1 को आपने ऑफ कर दिया और S2 को क्लोज कर दो। तो जो ही S2 को क्लोज करोगे तो चार्ज विद इन नो टाइम डिस्चार्ज हो जाएगा। ये जो चार्ज है विद इन नो टाइम क्या हो जाएगा बोलो, डिस्चार्ज हो जाएगा। वेरी स्मॉल टाइम में ये चार्ज, पहले तो स्लोली आया था चार्ज, अब 10^-7 सेकेंड, -8 सेकेंड, -9 सेकेंड, इस ऑर्डर के टाइम में ये चार्ज का डिस्चार्ज, तो इस तरह स्मॉल टाइम में चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें समझने के लिए कि जब चार्ज का पल्स जाएगा, करंट का पल्स जाएगा, तो किस ऑर्डर का पावर डेवलप होगा।
तो सपोज़ करो यूजुअली जो कैपेसिटर पे चार्ज होता है वो आपका माइक्रो कूलम्ब के ऑर्डर का चार्ज होगा, ठीक है। तो हम क्यू ले लें 10 माइक्रो कूलम्ब, और डेल्टा टी जितने इंटरवल ऑफ टाइम में ये चार्ज का पल्स ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, उसको आप सपोज करो ले लेते हो 10^-7 सेकेंड, माइनस 7 सेकेंड, माइनस 8 सेकेंड, माइनस 9 सेकेंड, इस ऑर्डर का टाइम होता है, इतने देर में ये चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। तो एवरेज करंट यदि आप निकालते हो, एवरेज करंट, दिस आई इज द एवरेज करंट, सो दैट विल बी 10^-6 कूलम्ब अपॉन 10^-7, एंड दैट कम्स आउट टू बी 100 एम्पियर। अब मेरे बच्चे एवरेज पावर निकाल लो तो ज़रा, जो इस वायर में डेवलप होगा, चाहे यहाँ बल्ब हो या जो भी हो, है ना, सो दैट विल बी I² × R, एंड I² × R करोगे तो 10^100^4 × 10 विल बी 10^5 W, एंड दिस इज इन फैक्ट वेरी हाई पावर। तो जो नॉर्मल बैटरी यूज करोगे, ठीक है, वो इतना पावर डेवलप नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे ऐसा डिवाइसेस होते हैं जहाँ रिक्वायरमेंट होता है हाई पावर का, एक पर्टिकुलर यूज बता रहे हैं आपको कैपेसिटर का, ठीक है, और वेराइटीज ऑफ यूज है थोड़े बहुत अभी हम मेंशन करेंगे। तो ये हाई, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जहाँ रिक्वायरमेंट होता है हाई पावर फॉर वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है, हाई पावर फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, 10^-2 सेकेंड, माइनस 8 सेकेंड, माइनस 9 सेकेंड के ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो उसमें इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर जो है, जो कैपेसिटर कहलाएगा, वो आप यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली ऐसा ही मेटालिक स्फीयर होगा, वो जरूरी नहीं है, डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं जो हम लोग डील करेंगे। अब ये नॉर्मली काफ़ी हाई पावर है, यूजुअल बैटरी आपको इतना पावर नहीं दे सकते हैं। तो जहाँ भी आपको स्मॉल पावर की आवश्यकता हो विद इन वेरी स्मॉल टाइम के लिए, तो इस तरह का आप डिवाइसेज यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे बच्चे एक होता है जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसको जब इनिशिएट करना होता है तो उसको इनिशिएट करने के लिए हम लोग एक करंट का लेजर पल्स के रूप में जो है करंट पास करते हैं, ठीक है, और उसमें 10^14 W का पावर के ऑर्डर का रिक्वायरमेंट होता है, और ये इतना हाई पावर है जो इतना तो पावर ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में डेवलप नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह का डिवाइस यूज़ करते हैं, और जिसमें चार्ज का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, और उसको 10^-9 सेकेंड के ऑर्डर के टाइम में डिस्चार्ज करा देंगे, तो इस ऑर्डर का पावर डेवलप हो जाता है और हमारा फ्यूजन जो है वो इनिशिएट हो जाता है। और कैपेसिटर का आपका यूज बता दूं, जो आप ये फैन देख रहे हो उसमें जब भी आपका फैन खराब हो जाता है और बिजली मिस्त्री आता है आपके घर में, तो बोलते हैं कि इसका लगता है कंडेंसर खराब हो गया है। तो ये कंडेंसर जो है कैपेसिटर के बदले कमर्शियल यूज है। यदि आप बाजार में जाएं, मार्केट में, और आप कहेंगे कि हमको कैपेसिटर चाहिए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप कंडेंसर कहोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो फैन में यूज है, मोटर में यूज है, जो आप टीवी और रेडियो का ट्यूनिंग करते हो, स्टेशन धराते हो, उसमें भी कैपेसिटर्स के का कैपेसिटेंस बदल के आप उसका रेडियो और टीवी का ट्यूनिंग करते हो। कहीं पर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को स्टेबलाइज करना है, ठीक है, जिससे आपका डिवाइसेस डैमेज ना हो, तो उसमें भी आपको कैपेसिटर यूज़ होता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, सर्किट हैं, जिसमें वैराइटीज ऑफ यूज़ होगा, नॉट ओनली दिस मच। तो उस डिटेल्स में हम लोग जब चीज़ें डिवाइसेस पढ़ेंगे अभी या बाद में जब मौका मिलेगा, तो उसमें आप इनके सबका यूज़ देखोगे। अब देखो मेरे बच्चों, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो
तो पहले इसको इरेज कर दूं। तो मैंने बताया कि चार्ज, अब इसको ओपन कर दो, ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाओ। तो मैंने कहा कि चार्ज का कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि ए और बी का जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उनका डिफरेंस वी वोल्ट के बराबर ना हो जाए। तो वी ए माइनस वी वी जब तक वी वोल्ट के इक्वल ना हो जाए, ठीक है, तब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो ए का पोटेंशियल पहले अपने चार्ज के कारण ही पोटेंशियल होगा, दूसरे स्फेयर का चार्ज यहां पोटेंशियल नहीं दे पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत दूर है। और बी का पोटेंशियल हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस माइनस प्लस इक्वल टू वी। अब ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू वी। फ्रॉम दैट वी गेट क्यू बाय वी इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, लिख डालो, इसको लिख डालो। अब देखो बच्चों, उतारना मत, खाली देखना, ये अब फिक्चर में नहीं है। स्विच ऑन करो और इस बार जो बैटरी यूज करो उसका ईएमएफ बदल दो। इसको लिखना नहीं है, कल देखिएगा। तो वी डैश वोल्ट से हम इसका चार्जिंग करें, तो इस पे चार्ज क्यू के बदला आ जाएगा प्लस क्यू डैश, इस पे आएगा जरूर माइनस क्यू डैश, इक्वल और अपोजिट चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, तब वी ए माइनस वी 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 डैश के इक्वल होगा, दिस विल बी क्यू डैश वी डैश, एंड देन अगेन यू गेट क्यू डैश अपॉन वी डैश इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब क्या देखते हो, चार्ज ट्रांसफर बाय द बैटरी डिवाइडेड बाय द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ए कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टर। चार्ज ट्रांसफर बाय द बैटरी डिवाइडेड बाय द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ए कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट वी से एज ए कैपेसिटेंस, एंड द डिवाइस इटसेल्फ इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो मेरे बच्चे, इस क्यू वाई वी को हम कहेंगे सी। क्यू वाई वी को कहेंगे हम लोग सी। तो सी इज द कैपेसिटेंस, है ना, एंड द अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर। और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में व्हाट इज द कैपेसिटेंस, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप क्या देखते हो कि कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है किस पे, बैटरी के ईएमएफ के, चार्जिंग बैटरी का जो ईएमएफ है आप उसको, उसके वैल्यू पे आपका कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो इस बात को लिख डालो, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द ईएमएफ ऑफ द चार्जिंग बैटरी, डज नॉट डिपेंड ऑन द ईएमएफ ऑफ द चार्जिंग बैटरी। मतलब सेम अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर, 10 वोल्ट से चार्ज हो, 20 वोल्ट से चार्ज हो, 30 वोल्ट से चार्ज हो, योर कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम। कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा यदि आप बैटरी जिससे चार्जिंग कर रहे हो उसका ईएमएफ बदल देते हो तो। अब यहां एक चीज देखो कि फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मतलब फॉर द सेम ईएमएफ ऑफ द चार्जिंग बैटरी, इफ सी इज मोर देन क्यू इज मोर। सेम वी के लिए सी जितना ज्यादा होगा क्यू भी उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब हायर द कैपेसिटेंस मोर इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज अंडर द गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। मोर इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज अंडर द गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। तो सुन लीजिए, हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, है ना। हायर द कैपेसिटेंस मोर इट कैन स्टोर द चार्ज फॉर द गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। सो प्लीज राइट डाउन, द एबिलिटी, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है। हायर द कैपेसिटेंस मोर
the amount of charge it will store under the given potential difference. Under the given potential difference. अब हम लोग इस कैपेसिटेंस का थोड़ा यूनिट और डायमेंशन देखते हैं. तो C इक्वल्स मेरे बच्चे है क्यू वाई वी, देन यू कैन राइट कूलम पर वोल्ट एंड द कूलम पर वोल्ट इज फैराड. अब होता क्या है कि जो कूलम्ब के ऑर्डर का जो चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. यदि मेटालिक स्फेयर पे कूलम्ब के ऑर्डर का चार्ज डाल दोगे तो उससे इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इन द सराउंडिंग एयर कि एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा और चार्ज जो है सो डिस्चार्ज हो जाएगा, लीकेज ऑफ चार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए यूजुअली जो अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग डील करते हैं वो माइक्रो के ऑर्डर का होता है. इसलिए कैपेसिटेंस में जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं वो मैक्रो के ऑर्डर का होता है. तो कहते हैं मैक्रो फैराड. सो वन मैक्रो फैराड इज 10^-6 फैराड. वन नैनो फैराड एज यू अंडरस्टैंड इज -9 फैराड. देन वी हैव पीको फैराड 10^-12 फैराड. वन माइक्रो माइक्रो फैराड इज ऑल्सो 10^-12 फैराड. अब सभी बच्चे कैपेसिटेंस का डायमेंशन लिख डालो. तो डायमेंशन एनालिसिस में ठीक है आप 30 सेकेंड का टाइम ले लो और इसको कर डालो. तो डायमेंशन एनालिसिस में जब भी आप वोल्ट देखें उसको हमेशा जूल पर कूलम्ब लिखते हैं. तो ये बेसिकली हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन जूल. अब कूलम्ब फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में ना यूज कर होके एम्पियर यूज होता है, इसलिए हम लोग क्यू बराबर आई टी कहते हैं और कूलम्ब को एम्पियर इंटू सेकेंड कह देते हैं. तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा ए का पावर टी का पावर 2 एंड जूल वी शैल राइट एज ML स्क्वायर T-2 एंड फाइनली द डायमेंशन दैट यू गेट इज M रेज टू पावर -1, L रेज टू पावर -2, T रेज टू पावर 4, A रेज टू पावर 2. ठीक है, इसको हम फाइनली यहाँ लिख देते हैं. सो डायमेंशन तो ओवरलैप कर गया. M रेज टू पावर -1, L रेज टू पावर -2, T रेज टू पावर 4 एंड A रेज टू पावर 2. आई होप अब देखो जब आप Q बराबर CV लिखते हो है ना, तो फिजिक्स में चीज़ों को डिफाइन करने का एक आसान तरीका होता है, चीज़ों को यूनिटी करो. तो V को ले लो 1 वोल्ट, तो आप क्या पाते हो Q बराबर C और C बराबर Q. तो आप कैपेसिटेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, आप पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा. कैपेसिटेंस इज द अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर when it is being charged by potential difference of 1 volt. तो write down बच्चों, capacitance can be also defined as the amount of charge stored by the capacitor when it is being charged by a battery of EMF 1 volt or under a potential difference of 1 volt. अब मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ऐसे ही आर्बिट्री अरेंजमेंट ऑफ मेटालिक स्फीयर दे रहे हैं आप. क्वेश्चन देने के बाद आप एक मिनट के लिए पॉज कर लोगे और उसको कर डालोगे. क्वेश्चन पहले लिख डालो, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ
फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द मेटालिक स्फीयर. फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द मेटालिक स्फीयर. फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द मेटालिक स्फीयर. ये ए है और ये बी है, लार्ज सेपरेशन है. तो मेरे बच्चों एक मिनट के लिए अपना सिस्टम पॉज कर लो और करके दिखाओ कि इसका कैपेसिटेंस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाय 3 आर है. ये करके दिखाओ तुम. टेक योर टाइम. आई होप आप पॉज करके इतना निकाल लिए हो, नहीं तो फिर देखो. ये सेल लिए, से वी वोल्ट का स्विच है, इसको क्लोज किए. अब रेडियस डिफरेंट है, डजंट मैटर, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हैज टू बी मेंटेन. तो इधर से जितना प्लस क्यू जाएगा, अपोजिट से जरूर उतना माइनस क्यू जाएगा, जिससे नेट चार्ज पहले भी जीरो था तो बाद में भी जीरो हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करे. अब यहां पे वी ए माइनस वी वी मस्ट बी इक्वल्स टू वी. अब ए का पोटेंशियल हो जाएगा मेरे बच्चे क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, द रेडियस इज 2 आर. माइनस माइनस प्लस, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस इज आर इक्वल टू वी. ठीक है. अब जब इसको ऐड करोगे और क्यू बाय सी, क्यू बाय वी निकालोगे, इसको पहले ऐड करो अपने से, क्यू बाय वी करो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देन क्यू बाय वी विल बी गेटिंग हाउ मच, एंड दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ मेटालिक स्फीयर. इसका कोई विशेष नाम नहीं है, जो स्टैंडर्ड केस है स्फेरिकल कैपेसिटर का वो डिफरेंट होता है. ये ऐसे मैंने आर्बिट्री कुछ ले लिया. तो देखो बच्चों, अब एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो उसका नाम लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसका हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे. तो बेसिकली ये अरेंजमेंट क्या होता है कि दो मेटालिक प्लेट होते हैं, दो मेटालिक प्लेट होते हैं, रेक्टेंगुलर हो, इलिप्टिकल हो, सर्कुलर हो, किसी भी शेप का हो, और उनका प्लेन पैरेलल रहता है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर. तो ये प्लेट स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड रहता है. सच अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब उसका देखो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं. ये कंडक्टर का जो पैरेलल प्लेट है उसका ये क्रॉस सेक्शन हुआ, दूसरा प्लेट ऐसे होगा, स्मॉल सेपरेशन, यदि इसमें इस थ्री डायमेंशनल लुक देना चाहते हो, इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना चाहते हो, लाइक दिस. ऑलमोस्ट दिस द से लेंथ एल एंड द विड्थ बी ऑफ द प्लेट, लेंथ एल एंड द विड्थ बी ऑफ द प्लेट, देन द एरिया ऑफ द प्लेट विल बी ए इंटू एल इंटू बी, ए इक्वल टू एल इंटू बी, यदि ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो. और डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट. अब ये डी काफी स्मॉल रखते हैं कि
जिससे कि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब आए तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। हालांकि एजेस पे यूनिफॉर्म नहीं हो पाता, लेकिन स्मॉल पोर्शन ऑफ एज छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो सकता है फॉर स्मॉल सेपरेशन, जैसे कि प्लेट लार्ज प्लेट के जैसा बिहेव करे। अब इसका चार्जिंग करेंगे तो हम लोग एक बैटरी ले लें 7 वोल्ट का, और ये स्विच ले लें, कनेक्टेड है। अब स्विच को आप क्लोज करो मेरे बच्चे, जो ही स्विच क्लोज करोगे तो ये बैटरी दोनों प्लेट के बीच में वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना चाहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसको हायर पोटेंशियल पे लाना चाहेगा और इसको लोअर पोटेंशियल पे। तो हायर पोटेंशियल पे लाने के लिए बैटरी इस प्लेट को बोलेगा कि तुम इलेक्ट्रॉन लूज करो, और इसको बोलेगा कि तुम सारा इलेक्ट्रॉन क्या करो, गेन करो। ये बैटरी पहले भी इलेक्ट्रिकली अनचार्ज होगा और बाद में भी इलेक्ट्रिकली अनचार्ज होगा, केवल चार्ज का ट्रांसफ़र करेगा जब तक कि ये प्लेट जो चार्ज एक्वायर करेंगे उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दोनों प्लेट के बीच में, वो बैटरी की ईएमएफ वी वोल्ट के बराबर ना हो जाए। तो मान लीजिए चार्जिंग कंप्लीट हो गया, चार्ज का ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, तो दोनों प्लेट के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वी वोल्ट का। दोनों प्लेट पे इक्वल और अपोजिट चार्ज जाएंगे। तो गॉसेज लॉ में आप पढ़े होंगे कि दो पैरेलल मेटालिक प्लेट हो, ठीक, ये पढ़ाया जाता है कि दो पैरेलल मेटालिक प्लेट हो और दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज हो और इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो सारे चार्ज दोनों के प्लेट का चार्ज का सम कर दो और जितना चार्ज आ जाए उसको बराबर बराबर दोनों आउटर प्लेट पे बांट दो और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो। तो दोनों का सम करो जीरो, तो आधा बांटोगे तो जीरो ही रहेगा, तो यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो, ये आप गॉसेज लॉ में पढ़ते हो। तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करने के लिए क्यू रहेगा कहाँ, इनर सरफेस पे आ जाएगा, और ये माइनस क्यू कहाँ रहेगा, इसके इनर सरफेस पे। तो इसका मतलब ध्यान रखो यदि प्लेट पे पहले से चार्ज नहीं है तो बैटरी हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज ट्रांसफर देगा प्लेट पे, तो जो चार्ज आवश्यक रूप से इनर प्लेट पे आ जाएगा, इनर सरफेस पे आएगा, नहीं तो इस कंडक्टर के थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और कोई भी कंडक्टर यदि इलेक्ट्रिक करंट कैरी नहीं कर रहा है तो उसके सरफेस के अंदर कंडक्टर के थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड संभव नहीं है अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा मेरे बच्चे। इस पे प्लस क्यू तो यहां आ जाएगा माइनस क्यू, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब हमें इस गैप में यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट होगा, इस गैप में यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो जाएगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं। तो गॉसियन लॉ यूज करते हैं, सूटेबल गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन का एक सिलेंडर ले लेते हैं जिसका एक कैप जो है इस प्लेट के थिकनेस के अंदर है और एक इस प्लेट के गैप में है, दोनों प्लेट के गैप में, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन स्मॉल ले लिए डेल्टा एस। तो मेरे बच्चे यहां पे फील्ड जीरो होगा। क्यों फील्ड जीरो होगा बताओ, क्योंकि मेटल के थिकनेस में है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस कैप पे फील्ड होगा ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा डीएस। अब क्लोज सरफेस में ये दोनों कैप हो गया प्लस कर्व सरफेस हो गया, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होगा ऐसे, तो फील्ड के साथ एंगल क्या बनाएगा 90 डिग्री, तो ये फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये यहाँ फील्ड ही नहीं है तो ये कैप भी फ्लक्स नहीं देगा। सो अल्टीमेटली केवल ये कैप आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। तो कितना फ्लक्स हो गया, ई डी एस के बदला डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री
बराबर नेट चार्ज। तो सपोज करो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इस पे माइनस सिग्मा है, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू, क्योंकि केवल एक लेयर इसके अंदर है, इंटू डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस जीरो इज वन, डेल्टा एस गेट्स कैंसिल्ड, देन हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड यू गेट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ सिग्मा विल बी रिप्लेस्ड बाय क्यू बाय ए। तो आप क्या देखे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इन दोनों प्लेट के बीच में। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला बच्चों, क्या ये रिजल्टेंट फील्ड है? मतलब क्या ये दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है कि जो अंदर में चार्ज है पॉजिटिव लेयर जो गॉसियन सरफेस के अंदर है केवल उसके कारण है? सोचो, यदि आप ये सोचते हो कि ये रिजल्टेंट फील्ड है तो ये सोचना आपका बिल्कुल सही है। गॉसेज लॉ से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो रिजल्टेंट फील्ड ही निकलेगा, कॉज्ड बाय ऑल द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो गॉसियन सरफेस पे फील्ड दे सकता है। तो मेरे बच्चे आप करेक्ट सोच रहे हो, यदि ऐसा सोच रहे हो तो, और ये रिजल्टेंट फील्ड ही होगा, सो दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड कॉज्ड बाय ऑल द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस फील्ड हैपेंस टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, ये डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी, दैट विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसका मतलब दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट अ लोअर पोटेंशियल एंड द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल विल बी ई इन टू डी ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी दैट इज द वी। अब मेरे बच्चे यदि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहां से पुट कर दें, सो व्हाट यू गेट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी एंड फ्रॉम दैट आई गेट क्यू बाय वी अपना आ जाता है मेरे बच्चे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। फिर आप देखो इट डज नॉट कंटेन द टर्म वी, मतलब चार्जिंग बैटरी के ईएमएफ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम लोग देखें किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो बच्चों, जब स्फेरिकल अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर था तो ये एक्सप्रेशन नहीं आया था, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था, आइडेंटिकल स्फीयर सेपरेटेड बाय लार्ज सेपरेशन था। तो अब ये पैरेलल प्लेट हो गया तो ये एक्सप्रेशन चेंज कर गए, इसका मतलब कैपेसिटेंस जो कंडक्टर यूज करते हो चार्ज होल्ड करने के लिए उसका ज्योमेट्री बदल दोगे तो आपका कैपेसिटेंस बदल जाएगा। प्लस जैसे वहाँ स्फीयर का रेडियस बढ़ा दोगे, यहाँ प्लेट एरिया बढ़ा दोगे घटा दोगे तो आपका कैपेसिटेंस फिर से बदल जाएगा। तो कंडक्टर का शेप और फिर उसका साइज, ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा जिस पे आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये जो है डी जो है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है, तो मेटालिक स्फीयर के केस में हम लोग इनफाइनाइट सेपरेशन लिए थे, उसी को फाइनाइट कर दोगे तो वो कैपेसिटेंस उस अरेंजमेंट का चेंज कर जाएगा, जितना पहले निकाले थे उससे डिफरेंट आएगा। यहाँ जो सेपरेशन है इसको ज़्यादा और कम कर दो द कैपेसिटेंस विल चेंज, इसका मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टर होल्ड करने वाला पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टर जो है जो चार्ज कैरी करेगा आफ्टर द चार्जिंग, उसका स्पेस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, स्पेशियल रिलेशन क्या है, ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन क्या है या कैसे अरेंज्ड हैं, इस बात पे भी कैपेसिटेंस आपका डिपेंड करेगा। अब सवाल उठता है कि प्लस क्यों माइनस क्यों न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर जाते, इसके थ्रू ट्रांसफर क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे या तो वैक्यूम है या फ्री वैक्यूम है मतलब फ्री स्पेस है या यहाँ पे एयर है,
या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एयर के बदला कोई और नॉन कंडक्टिंग मीडियम यहां रख दो, कहलाता है डायलेक्टिक मीडियम। ठीक है, डायलेक्टिक मीडियम। तो यदि आप इसमें डायलेक्टिक मीडियम डाल दो अदर देन द एयर या फ्री स्पेस के बदला, तब भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अपना सेपरेशन मेंटेन करेगा। तब मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, अभी केवल आप देख लो कि कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम्स एंड के इज कैल्ड डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट, के टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स पे आपका कैपेसिटेंस डिपेंड किया। पहला शेप एंड साइज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जो चार्ज होल्ड करेगा आफ्टर चार्जिंग। दूसरा वो कंडक्टर स्पेस में कैसे अरेंज्ड हैं, ठीक है, स्पेशियल रिलेशन। और तीसरा है कि टाइप ऑफ डायलेटिक मीडियम यूज्ड टू सेपरेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडक्टर। तो इसको आप बच्चों लिख सकते हो, प्लीज राइट डाउन, लिखो। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, फॉर इफेक्ट लिखो, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर यूज्ड टू होल्ड द चार्ज, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर यूज्ड टू होल्ड द चार्ज, टू होल्ड द चार्ज। सेकेंड लिखो, देयर अरेंजमेंट इन द स्पेस, देयर अरेंजमेंट इन द स्पेस तीसरा लिखो, टाइप ऑफ डायलेक्टिक मीडियम यूज्ड, टाइप ऑफ डायलेक्टिक मीडियम यूज्ड टू सेपरेट द पॉजिटिव एंड निगेटिव कंडक्टर, टू सेपरेट द पॉजिटिव एंड निगेटिव कंडक्टर, टू सेपरेट द पॉजिटिव एंड निगेटिव कंडक्टर। अब देखो बच्चों, यदि हम ये सिंबल होता है कैपेसिटर का, और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है सी, ठीक है, तो उसका ये जनरल है, चाहे स्फेरिकल हो चाहे पैरेलल प्लेट हो, किसी भी शेप का कंडक्टर हो, किसी भी शेप का आपका कैपेसिटर हो, सबका ये जनरल सिंबल है। ठीक है, अब है क्या कि हम लोग मोस्टली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही यूज करते हैं, वही अपने सिलेबस में भी है, तो ये हमारा हमेशा रेफर करेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब सपोज करो चार्जिंग कंप्लीट हो जाए, तो एक पे प्लस क्यू आएगा तो दूसरे पे माइनस क्यू आएगा, इक्वल और अपोजिट चार्ज आएंगे, और इस गैप में यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इस गैप में यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये जो कंडक्टिंग वायर है इसमें कोई अब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, तो कोई भी कंडक्टर यदि करंट नहीं कैरी कर रहा है तो जरूर उसका हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल के वेरिएशन का स्टडी करें, और यहाँ का पोटेंशियल वी ए कह दें, तो चूंकि ये कंडक्टिंग वायर है कैरिंग नो इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, चार्ज का जो ट्रांसफर होना है वो हो चुका है, फर्दर चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो यहां से यहां तक जब जाओगे मेरे बच्चे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बदलेगा। अब आप जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट पे जाओगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, और जो ही फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज। और अभी आप देखे थे कि अपना C बराबर था Q बाय V, तो हम लोग V को कह सकते हैं Q बाय C। तो जब भी आप पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट पे जाओगे तो कैपेसिटेंस C के कारण पोटेंशियल घट जाएगा बाय व्हाट अमाउंट, Q बाय C। तो यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल,
यहाँ अब इस गैप को क्रॉस करो, पोटेंशियल घटेगा बाय व्हाट अमाउंट, क्यू एस सी। सो व्हाट लेवल ऑफ पोटेंशियल यू गेट, जो यहाँ का पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें भी जाने से पोटेंशियल का बदलाव नहीं होगा, तो नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल टर्मिनल बी के पोटेंशियल के बराबर होगा। अब इसको हम x इक्वल टू जीरो ले लें और इसको x एक्सिस ले लें ऐसे, और पोटेंशियल का ग्राफ खींचना चाहें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है विद द डिस्टेंस x, विद द डिस्टेंस x, तो a का पोटेंशियल आप कुछ एज्यूम कर लो, लेट अस से इट इज v, जनरल ये v है, तो यहाँ va ले लो। तो जब भी कंडक्टिंग वायर में जाओगे तो पोटेंशियल विल नॉट चेंज, इस गैप में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा बाय व्हाट अमाउंट, क्यू बाय सी। अब डिक्रीज किस तरीके से करेगा, तो उसको आप ऐसे समझो कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और हमें पता है कि ई एक्स बराबर होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डी वी बाई डी एक्स कांस्टेंट है, डी वी बाई डी एक्स कांस्टेंट है तो वी वर्सेस एक्स का ये स्लोप हुआ, तो उसका स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट स्लोप मींस द नेचर ऑफ प्लॉट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, इसे हम तो कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरे ढंग से भी समझ सकते हो, इस गैप में यूनिफॉर्म फील्ड है, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल पोटेंशियल चेंज करेगा, मतलब पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी करेगा। तो ऐसे मेरे बच्चे पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, व्हाट लेवल ऑफ पोटेंशियल यू गेट, और ये जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई सी, दैट इक्वल टू क्यू बाई सी। इसी तरह यदि आप सेल की बात करो, इसी तरीके से यदि आप सेल की बात करो, बैटरी में वोल्टेज वेरिएशन देखो, तो अभी ये मान के चल रहे हैं ये जो कंडक्टिंग वायर्स हैं इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, और इस बैटरी का ईएमएफ हमने ई ले लिया। तो जब यहां से जाओगे तो यहां का पोटेंशियल वी ए, कंडक्टिंग वायर में नो चेंज इन पोटेंशियल, और जब पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट पे जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा बाय व्हाट अमाउंट, ई, इसका मतलब पोटेंशियल विल डिक्रीज बाय ई एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल यू गेट इज इक्वल टू वी वी। तो याद रखो बैटरी के जब नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितने से, ई वोल्ट से, या पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे तो घटेगा, कितने से, ई वोल्ट से। या यूजुअली मैं कहता था, देखो बच्चों जब छोटे से बड़े हो जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा सिंबल में, और बड़े से छोटे हो जाओगे तो पोटेंशियल घट जाएगा, कितने से, ई से। अब इसको x जीरो ले लें और पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है, इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करें वोल्टेज वेरिएशन का, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और सेल में हम लोग मानते हैं कि पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ लीनियरली घटता है। अब ऐसा क्यों होता है, जब आप सेल का मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे पोटेंशियल लीनियरली डिस्टेंस के साथ घट गया, लीनियरली डिस्टेंस के साथ घट गया, सो दिस डिक्रीज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई एंड दिस लेवल ऑफ पोटेंशियल इज वी वी, दिस लेवल ऑफ पोटेंशियल इज वी वी। देखो बच्चों, अब सपोज करो एक से ज़्यादा कैपेसिटर है, अब पर्टिकुलर फैशन में तरीके से अरेंज है, तो उसका चार्जिंग कैसे संभव होता है। तो इस तरीके से हमने कैपेसिटर्स, तीन कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, और उसको अरेंज,
ये कैपेसिटर कंस्टिट्यूट हुआ है ना, इसे कैपेसिटेंस है सी वन, ये दोनों प्लेट के मिला के कैपेसिटर बना, इसका कैपेसिटेंस सी टू और इसका कैपेसिटेंस सी थ्री है। अब ये स्विच एस ओपन है, बैटरी का ईएमएफ ई वोल्ट है, अब देखो इसका चार्जिंग कैसे संभव होता है। आप इस स्विच को क्लोज करिए, तो जो ही स्विच को क्लोज करोगे तो मेरे बच्चे बताओ फिजिकली कितने प्लेट इस बैटरी से कनेक्ट हुआ, केवल ये प्लेट और इस प्लेट का बैटरी के साथ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हुआ फिजिकली, बाकी सारे प्लेट जो हैं आइसोलेटेड हैं, मतलब इस बैटरी से सेपरेटेड हैं, उनसे उनका कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। तो केवल ये दो प्लेट हैं जो एंड प्लेट्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ये बैटरी क्या करेगा कि दोनों प्लेटों के बीच में अपने ईएमएफ ई वोल्ट के इक्वल के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए चार्ज का ट्रांसफर करेगा, और इस प्लेट को बोलेगा कि तुम इलेक्ट्रॉन लूज करो और हो जाओ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसको बोलेगा कि तुम वो सारा इलेक्ट्रॉन गेन करो और हो जाओ नेगेटिवली चार्ज्ड। तो दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आएंगे, और गॉस के लॉ से हम दिखा सकते हैं कि मेटल यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जब प्राप्त हो जाएगा, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन जब समाप्त हो जाएगा, तो मेटल के थिकनेस में फील्ड को जीरो होने के लिए, ये गॉस के लॉ में आप पढ़े होंगे, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू को अपने इनर सरफेस पे आना होगा। तो इस पे प्लस क्यू आ गया, इसके इनर पे आ गया माइनस क्यू। फिर आप गॉस के लॉ में पढ़े हो कि यदि फेसिंग सरफेस है मेटल का तो उसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होते हैं, तो यहां प्लस क्यू है तो यहां क्या इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू। अब जरा सोचो ये प्लेट और ये प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन बाहरी दुनिया से क्या हैं, आइसोलेटेड हैं, इनका बैटरी से कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो ये दोनों प्लेट मिला के यदि नेट चार्ज पहले जीरो था तो इंडक्शन के बाद भी नेट चार्ज जीरो होगा, इंडक्शन से कभी नेट चार्ज में कोई बदलाव नहीं होता। इसका मतलब यदि यहाँ निगेटिव है तो कहीं ना कहीं उतना ही प्लस क्यू अपियर हुआ होगा, जिससे कि ये दोनों प्लेट का चार्ज कंजर्व रहे, इंडक्शन के पहले जीरो था तो इंडक्शन के बाद भी जीरो हो। तो यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ इनर सरफेस पे आ जाएगा प्लस क्यू। अब ये क्यों आएगा, ये गॉस के लॉ से होगा टू सो दैट मेटल के थिकनेस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो। अब ये दोनों इस पे माइनस क्यू है और इस पे प्लस क्यू है, लेकिन चूंकि ये कंडक्टिंग वायर से जुड़े हैं, अब जब चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा तो इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होंगे, तो फाइनली इस वायर में करंट नहीं होगा तो इस वायर में पोटेंशियल में बदलाव भी नहीं होगा। इसका मतलब दोनों प्लेट जो मेटालिक वायर से जुड़े हुए हैं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम दे मस्ट हैव सेम पोटेंशियल। इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट दोनों का जरूर सेम पोटेंशियल होगा। अब यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू है तो फिर से ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं, बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड हैं, तो इस पे आ जाएगा प्लस क्यू। अब देखो मेरे बच्चे, जब भी आपका तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वी मीन मॉड वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन वन इनर सरफेस ऑफ वन ऑफ द प्लेट, जब भी कहते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर, हमारा मतलब होगा मॉड वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ वन ऑफ द प्लेट, ठीक है। अदरवाइज नेट चार्ज यहाँ देखो क्या होगा, जीरो। ऐसा कोई गॉसियन सरफेस ले ले जिसमें दोनों प्लेट आ जाए तो आप बता सकते हो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, दैट इज जीरो, क्योंकि नेट चार्ज जीरो है, ठीक है। तो अब मेरे बच्चे बताओ कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, प्लस क्यू, निगेटिव टर्मिनल से कितना चार्ज निकला, माइनस क्यू। इसीलिए बैटरी जो चार्ज ट्रांसफर करेगा उससे फाइनली सिस्टम पे नेट चार्ज क्रिएट नहीं होगा।
बैटरी हमेशा अपोजिट टर्मिनल से इक्वल और अपोजिट चार्ज ट्रांसफर करता है, ये हमेशा होल्ड करता है यार। अब बच्चे बताओ, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर सी वन? क्यू। सी टू पे चार्ज बताओ, क्यू। सी थ्री पे चार्ज बताओ, क्यू। इसका मतलब प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज क्या है बच्चों? सेम है, और वही चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ट्रांसफर हुआ है। ये जो अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर है, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जिसका अभी हम नाम नहीं लेंगे, जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे तो फिर इसमें वापस आएंगे। अब मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। अब जब कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ठीक है, तो क्लोज पाथ में इस चार्ज पार्टिकल पे जो वार्डन होता है क्लोज पाथ में, एफ डॉट डी एल कंजर्वेटिव फील्ड यदि है तो एफ डॉट डी एल का समेशन इन द क्लोज पाथ मस्ट बी जीरो। इसका मतलब इन द क्लोज पाथ इफ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, समेशन ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी एल मस्ट बी जीरो। तो ई बेसिकली ये कहता है ई डॉट डी एल इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब क्लोज पाथ में यदि पोटेंशियल का हिसाब किताब मेंटेन करोगे तो जितना यदि जहां से चलो इलेक्ट्रिकल सर्किट में वहीं वापस आ जाते हो तो जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही घटेगा। इसका मतलब पोटेंशियल का जो डिफरेंस डिफरेंट सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस अकर करेगा उसका अलजेब्रिक सम जीरो होगा। और इसी को इलेक्ट्रिकल सर्किट जब पढ़ेंगे हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका इस लॉ का कुछ नाम होगा, दैट इज द किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, तो फिलहाल हम इस बेसिक बात कर लिए कि जहां से चलें वहीं यदि वापस आ जाएं किसी भी पाथ से इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो जो लेवल ऑफ पोटेंशियल आप जहां से शुरू किए थे वापस उसी लेवल ऑफ पोटेंशियल पे आओगे, सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही घटेगा। सो यू विल गेट द इनिशियल लेवल ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट। तो चलो मेरे साथ क्लोज लूप में घूमो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वेरिएशन का आप हिसाब किताब मेंटेन करो। चलो मेरे साथ, ये जितने भी कंडक्टिंग वायर है ना उसमें कोई करंट नहीं है तो उसमें कभी भी पोटेंशियल का बदलाव नहीं होगा। चले बच्चों, चलो मेरे साथ, ए का पोटेंशियल लिखो VA। अब इस कंडक्टिंग वायर में जब जाओगे तो पोटेंशियल नहीं बदलेगा। जब कैपेसिटर के देखो वहां पॉजिटिव से जब निगेटिव पे जाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव पे जाते थे तो पोटेंशियल घट जाता है, बाय व्हाट अमाउंट? QC। इसीलिए पोटेंशियल अपना घट गया, बाय व्हाट अमाउंट? QC। फिर क्या इस निगेटिव से इस पॉजिटिव पे जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा? पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर व्हिच डज नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रिक करेंट। इट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। चार्ज का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होना है वो हो चुका है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जब यहां से यहां बेटा जाओगे तो पोटेंशियल नहीं बदलेगा। अब जब इस पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट पे जाओगे फिर से पोटेंशियल घटेगा, ये C1 था, बाय व्हाट अमाउंट? QC2। फिर यहां से यहां जाओगे अगेन द पोटेंशियल नॉट चेंज, और इसमें गैप में जाओगे कैपेसिटर का प्लेट क्रॉस करोगे तो अगेन द पोटेंशियल विल चेंज, बाय व्हाट अमाउंट? QC3। अब इस कंडक्टिंग वायर में आ जाओ, सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल नॉट चेंज, पोटेंशियल नॉट चेंज। अब ये सर्किट एलिमेंट है और बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव पे जाओगे तो पोटेंशियल को इंक्रीज कर देगा, एलिवेट कर देगा, बाय व्हाट अमाउंट? ई। एंड व्हाट लेवल ऑफ पोटेंशियल अगेन यू गेट? इक्वल टू VA। सो देयरफॉर आई कैन राइट इट हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू VA, E = QC1 + QC2 + QC3। अब इस अरेंजमेंट को हल्का सा हम चेंज कर दें,
इस अरेंजमेंट को हल्का सा हम चेंज कर दें, एक ग्राफ खींचें, ये जो बैटरी था अपना इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। तो बैटरी ऐसे इस पोजीशन में रख लें और ये ई वोल्ट है, ठीक है। स्पेस चाहिए हमको, और अपना आया था ई इक्वल्स टू क्यू बाय सी वन प्लस क्यू बाय सी टू प्लस क्यू बाय सी थ्री। ये बैटरी है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है मेरे बच्चे, वो पहले ही जैसा है, पहले जस्ट पोजीशन बदल दिए हैं। तो ये टर्मिनल अभी भी निगेटिव, ये प्लेट अभी भी निगेटिव से जुड़ा है और ये प्लेट अभी भी पॉजिटिव से जुड़ा है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यही होगा। अब हम यहाँ एक्स जीरो ले लें और ऐसे एक्स एक्सिस लें और पोटेंशियल के वेरिएशन का ग्राफ ड्रॉ करें। तो यदि हम ये एज्यूम कर लें कि C1 सबसे छोटा हो, उसके बाद C2, उसके बाद C3 है, ये कंडीशन हम आपको इम्पोज कर देते हैं और पोटेंशियल के वेरिएशन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, कैसे पोटेंशियल बदलता है X के साथ, ठीक है। तो आप चाहें तो एक दो मिनट पॉज कर लें और खुद से ग्राफ खींचने का कोशिश करें और तब मेरा सॉल्यूशन देखें। तो ये आप थोड़ा कर लीजिए, थोड़ा पॉज कर लीजिए, एक डेढ़ मिनट में ट्राई कर लीजिए और रफ पे ट्राई कर लीजिए और देख लीजिए कि आप क्या किए हो, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। और डायरेक्टली यदि आप सॉल्यूशन देखते हो तो स्पून फीडिंग होगा, उसमें जो आपकी एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, लर्निंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो नहीं बढ़ेगा, इसका ध्यान रखना। खुद से करके ही सीख सकते हो। तो अब आई होप आपने खींच लिया होगा पॉज करके। ये हमारा एक्स हो गया। तो एक से देखो जो कंडीशन दिए हैं, क्यू बाय सी वन है पोटेंशियल ड्रॉप इन द कैपेसिटर सी वन, तो सब में अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है सेम, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा किस में होगा बताओ, C1 में, क्योंकि कैपेसिटर सेम क्यू के लिए C सबसे छोटा है, उसके बाद बोलो C2 में, उसके बाद तो सबसे कम वोल्टेज ड्रॉप किस में है C3 में। तो इसको ये फॉलो होना चाहिए ग्राफ खींचते समय। हम थोड़ा अनुभव का फायदा उठाते हैं, आपका थोड़ा गड़बड़ भी हुआ होगा तब भी ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल हम VA कह दिए, अब हो सकता है आप यहीं से शुरू किए होंगे तो आपको एक बार अनुभव हो गया होगा कि ग्राफ नीचे जा रहा है, ठीक है। तो फिर आप रिवाइज कर लो, उसको रिवाइज कर लिए होगे, स्वाभाविक है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल नहीं बदला। इसमें जब जाओगे तो पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे घटेगा, लीनियरली, और इसमें सबसे ज़्यादा घटा दो, क्यों, क्योंकि वहाँ कैपेसिटेंस कम होने से सेम क्यू के लिए ड्रॉप सबसे ज़्यादा है। फिर यहाँ से यहाँ पोटेंशियल नहीं बदलेगा, फिर इस गैप में जाओ पोटेंशियल घटेगा लेकिन इससे थोड़ा कम घटाएंगे, फिर यहां से यहां पोटेंशियल नहीं बदलेगा, इस गैप में जाओ फिर पोटेंशियल घटेगा बट द अमाउंट विल बी लेस देन दिस, ये ग्राफ में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिर यहां से यहां गए नो चेंज, और जब ये बैटरी में जाओगे तो अगेन ये पॉइंट ए है, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो ये लेवल भी ए है। इसका मतलब ये बैटरी पोटेंशियल को एलिवेट करके इनिशियल पोटेंशियल ए पे पहुँचाएगा। सो देयर विल बी सडन स्टीप राइज इन द पोटेंशियल, स्टीप राइज इन द पोटेंशियल एंड दिस विल बी इक्वल टू बोलो ई। नाउ कैन यू से मी हाउ मच विल बी दिस, ये कितना होगा बता पाओगे? ये होगा मेरे प्यारे बच्चों क्यू बाय सी वन। क्या ये बता पाओगे? ये हो जाएगा क्यू बाय सी टू। क्या ये बता पाओगे? दिस इज क्यू बाय सी थ्री। इस तरह से वोल्टेज कैसे वेरी करता है
ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें कैपेसिटर हो, उसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब मैं चाहूँगा यदि आप इसको करेक्टली नहीं कर पाए हो, पहले तो इसको उतार लो, पॉज करके उतार लो। एक आध प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, उसको आपको पहले करना है, ठीक है। तो इसको मैं पहले इरेज करता हूँ, इरेज कर लिया जाए। तो बच्चों मैं अरेंजमेंट दे रहा हूँ, अब वोल्टेज वेरिएशन का ग्राफ खींचोगे, ठीक है। तो चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसी बैटरी है सी ऑफ ईएमएफ ई, इसका कैपेसिटेंस है सी, इसका कैपेसिटेंस है टू सी। अब ये ए है तो वापस यहां आओगे तो ये भी ए होगा। यहां एक्स जीरो ले लो, कैपेसिटेंस उसका डबल है। अब मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल के वेरिएशन का ग्राफ खींचो, ठीक है। पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, अब आप एक डेढ़ मिनट के लिए अपने हिसाब से पॉज कर लीजिए और सिस्टम को ज़रा ग्राफ खींचो, टेक योर टाइम। और जब आपका ग्राफ खींच लें तो फिर से आप सॉल्यूशन देखें। तो रिएक्शन टाइम आपको खुद एडजस्ट करना होगा अपने हिसाब से, जितने देर में आप कर पाते हो रफ पे करोगे उसी हिसाब से उतने देर तक अपना सिस्टम को पॉज करोगे। आपको भी धीरे धीरे सीखना होगा कैसे इस तरह ऑनलाइन चीज़ें पढ़ते हैं। अब शुरुआत में इनर्सिया था, अब मैं भी धीरे धीरे यूज टू हो रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट 15 दिन का लॉकडाउन हो चुका है मेरे लिए, है ना, और काफ़ी रेस्ट का इनर्सिया आ गया था, है ना। सोना, कभी किताब उलटना, कभी पढ़ना, यही कुछ चल रहा था। तो आई होप आप ग्राफ खींच लिए होगे, है ना। आइडिया लग रहा है यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है तो इस पर क्या आएगा, प्लस क्यू। तो इस पर क्या आएगा बोलो, माइनस क्यू। इस पर क्या आएगा, प्लस क्यू। इस पर आएगा माइनस क्यू, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल का डिक्रीज होगा और यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो इंक्रीज होगा। तो पहले पोटेंशियल बढ़ेगा और बाकी दोनों में घटेगा, इसका मतलब हमको ग्राफ नीचे से थोड़ा यूज़ करना होगा। चाहो तो आप इक्वेशंस लिख लो एक बार, है ना, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हम नीचे से शुरू करेंगे, इक्वेशन लिखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल नहीं बदला, सेल में पोटेंशियल अच्छा खासा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, लेकिन स्मॉलर कैपेसिटेंस होने के कारण इसमें लार्ज ज़्यादा घटेगा, इसमें कम घटेगा। फिर इस कंडक्टिंग वायर में जाएंगे तो पोटेंशियल नॉट चेंज, फिर इसमें लीनियरली घटेगा बट द डिक्रीज विल बी लेस देन दिस। और जो लेवल ऑफ पोटेंशियल होगा वो इसी के इक्वल हो जाएगा, वापस ए पे आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच ई, दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी, एंड दिस द स्मॉलर वैल्यू जस्ट हाफ ऑफ दैट क्यू बाय टू सी। और ऐसा किए हो आप खुद से तो इसका मतलब आप चीज़ें लर्न कर गए। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि ऐसा कोई ग्राफ दे देगा, सपोज करो ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया, ठीक है, कैपेसिटेंस का डाटा दे दिया और ये वैल्यू पूछ लिया, ठीक है। तो कोई भी इस तरह से चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे करके पूछा जा सकता है ग्राफ से। तो यूजुअली क्या होता है कि इस तरह कोई ग्राफ आ जाएगा तो पहला स्टेप बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो वो नहीं करना है, कोई चीज़ कठिन नहीं होता, कठिन इसीलिए लगता है कि वो समझ में नहीं आया है, ठीक है। और एक बार चीज़ों को समझ के करोगे तो हमेशा आसान होता है। अब जो हमारा वर्किंग होगा क्यू बराबर सी वी, तो
उसमें कैपेसिटेंस माइक्रो के ऑर्डर का लिया करेंगे, वी वोल्ट में होगा तो चार्ज किस में आया करेगा, माइक्रो कूलम्ब में। तो यही वर्किंग यूनिट हमारा होगा, माइक्रो फैराड वोल्ट मल्टीप्लाइड करोगे यू विल गेट द वैल्यू इन माइक्रो कूलम्ब फॉर द चार्ज। सो माइक्रो कूलम्ब माइक्रो फैराड तीनों माइक्रो नहीं हो सकता, तीनों यदि माइक्रो करोगे तो गलत हो जाएगा, तब केवल आपका नंबर जो है वो माइक्रो में आएगा। अब छोटे छोटे सवाल करते हैं, हालांकि अब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं करने जा रहा हूं उसको इस ढंग से नहीं करेंगे जैसा अभी आपको दिखेगा, क्योंकि मैं जो केस ले रहा हूं उसमें कॉम्बिनेशन है, और जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे सीरीज पैरेलल कैपेसिटर के अरेंजमेंट का, तो कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जो मेथड अभी मैं यूज कर रहा हूं इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये जस्ट लर्निंग के लिए है न कि यूज करने के लिए। तो सपोज करो इस तरह का कैपेसिटर्स है, 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, तो आप पढ़ो देखोगे सुनोगे तो ये एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हम उस सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी यूज नहीं करने जा रहे हैं, बेसिक से करने जा रहे हैं, और ये बेसिक जो है केवल समझने के लिए है, बहुत यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो सपोज करो ये पॉइंट ए हो और ये पॉइंट बी हो, आपने को प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना हो, इसको तुम लोग देख लो साथ साथ, और अपने को वी ए माइनस वी बी निकालना हो, इसको मैं करके दिखाता हूं। देखो तो ये प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ, इस पे प्लस क्यू आएगा तो जरूर इस पे बोलो माइनस क्यू, यहां माइनस तो यहां बोलो प्लस क्यू, तो यहां माइनस, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस, एक बार क्लोज लूप में आप घूम जाओ, पोटेंशियल का हिसाब किताब मेंटेन कर लो क्लोज लूप में। तो चलते हैं ए से, तो यहां का पोटेंशियल वी ए, कंडक्टिंग वायर में नो चेंज इन पोटेंशियल, नो चेंज इन पोटेंशियल। फिर जब आप यहां से यहां गए तो पोटेंशियल में बदलाव नहीं होगा, ठीक है, सॉरी आई रिपीट, ए से चलोगे तो ए का पोटेंशियल वी ए, कंडक्टिंग वायर में जाएंगे तो पोटेंशियल नहीं चेंज करेगा, कैपेसिटर के पॉजिटिव से निगेटिव में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा बाय व्हाट अमाउंट, क्यू बाय सिक्स। इस कंडक्टिंग वायर में नो चेंज इन पोटेंशियल, पॉजिटिव से निगेटिव है, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया बाय व्हाट अमाउंट, क्यू बाय थ्री। इस कंडक्टिंग वायर में नो चेंज इन पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, माइनस क्यू बाय टू। अब यहां से यहां आ जाओ, यहां से यहां आ जाओ, यहां से यहां आ जाओ, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाओ, देर विल नो चेंज इन पोटेंशियल, सो दैट विल बी 12 से पोटेंशियल एनी, सॉरी उसको काट देना, यहां से यहां आइए, यहां से यहां आइए, यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया, जब निगेटिव से पॉजिटिव हो जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा कितने से, 12 वोल्ट से, तो प्लस 12 एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल यू गेट इज इक्वल टू वी ए। अब मेरे बच्चे इसको आप सॉल्व करो तो क्यू विल बी कमिंग 12 माइक्रो कूलम, बात मान लो। क्यू विल बी कमिंग 12 माइक्रो कूलम। अब वी ए माइनस वी बी निकालना हो तो ए से चलो और बी पे पहुंचो, कितने रास्ते हैं, एक तो ऊपर से जा सकते हो एक नीचे से, तो आप खुद करके वेरीफाई करो, ठीक है, मेरे साथ कि दोनों रास्ते से पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम होगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पे यदि डिपेंड कर गया इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। वी ए यहां से यहां कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव से निगेटिव, 12/6 नो चेंज, पॉजिटिव से निगेटिव अगेन 12/3 इक्वल्स टू वी बी, इसको कैलकुलेट करो, so this must be equals to, this will be 2, this will be 4 and this is equals to 6 volt. Now you change the path, नीचे से चलो, आप देखना you will be getting the same result. VA, यहां से यहां जाओ, यहां से आ जाओ, no change in potential, positive से negative जाओ, potential घटेगा कितने से, 12 volt से, ठीक है।
अब यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आइए, नो चेंज इन पोटेंशियल, निगेटिव से पॉजिटिव पे जाइए तो पोटेंशियल एलिवेट होगा, बढ़ेगा, कितने से, 12/2 से। व्हाट लेवल ऑफ पोटेंशियल अगेन यू गेट, सो फाइनली वी ए माइनस वी बी इज कमिंग हाउ मच, 6 वोल्ट। ठीक है, तो आप चाहे क्लॉकवाइज जाएं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाएं, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज नॉट गोइंग टू चेंज।